माता की, भारत माता की जय। मां भद्रकाली, भद्रकाली अम्मवारी महत्यानी की, सम्मक्का सारलम्मा पौरुषानिकी रानी रुद्रमा प्राक्रमानिकी प्रख्याति गाचिना वरंगल को रावणम संतोषंगा उंदी। आज मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में वारंगल में आप सबके बीच आया हूं। ये क्षेत्र जनसंघ के जमाने से ही हमारी विचारधारा का मजबूत किला हुआ करता है। जब संसद में बीजेपी की सिर्फ दो सीटें थी, तब हनुमान कांडा से श्री जंगा रेड्डी जी सांसद हुआ करते थे। आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो इसमें तेलंगाना की इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि अब यहां बीजेपी का निरंतर विस्तार हो रहा है। 2021 में यहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी अपने प्रभाव का ट्रेलर दिखा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पहुंचे हैं, इसका संदेश साफ है। अब विधानसभा चुनावों में बीजेपी यहां बीआरएस और कांग्रेस दोनों का पत्ता साफ करने जा रही है। साथियों, यहां आने से पहले मुझे तेलंगाना के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला। इनसे इस क्षेत्र में सुविधा तो बढ़ेगी ही, रोजगार के भी नए अनेक अवसर बनेंगे। पिछले 9 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। आज तेलंगाना में करीब 36,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2014 में तेलंगाना के लिए जो रेल बजट था, आज उसका 17 गुना 17 टाइम अधिक रेल बजट तेलंगाना के पास है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। साथियों, भारत की आत्मनिर्भरता में तेलंगाना की भूमिका बहुत बड़ी है। जब भारत ने तय किया है कि हम कोरोना की वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन बनाएंगे, तो तेलंगाना के लोगों ने आगे बढ़कर अपना दायित्व निभाया। जब भारत ने तय किया कि हम दवाइयों के लिए कच्चा माल बनाएंगे, तो तेलंगाना के लोग नई ऊर्जा के साथ जुट गए। जब भारत ने तय किया कि हम मेड इन इंडिया पर बल देंगे,
तो तेलंगाना के मैन्युफैक्चरर्स ने पूरी ताकत लगा दी। जब भारत ने तय किया हम यूरिया में आत्मनिर्भर होंगे तो बरसों से बंद रहा रामागुंडम खाद कारखाना फिर से सजीव हो उठा। और साथियों, जब भारत ने अपनी रेल को आधुनिक बनाने का फैसला किया तो भी इसमें तेलंगाना ही अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब काजीपेट में वैगन बनाने की नई फैक्ट्री बन रही है। यहां बनने वाले सैकड़ों वैगन भारतीय रेल के विस्तार और एक्सपोर्ट दोनों को बल देंगे। भाइयों और बहनों, बीते 9 वर्षों में पूरी दुनिया में देश का इतना गौरव बढ़ा है, भारत को लेकर आकर्षण बढ़ा है, इसका भी फायदा तेलंगाना को हुआ है। यहां पहले के मुकाबले अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इस ज्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा तेलंगाना के युवाओं को हो रहा है, उसे नौकरी मिल रही है। भाजपा सरकार ने दुनिया में भारत की जो साख बढ़ाई है ये उसी का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि हां, तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया? साथियों, यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहां की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले 2 देशों या 2 राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब 2 राजनीतिक दलों और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिस तेलंगाना के लिए जनता ने इतना संघर्ष किया, इतने बलिदान दिए, उस जनता को
ऐसे दिन देखने की नौबत आई है। और साथियों, मैं एक और बात कहूंगा, यहां सत्ता में जो परिवार बैठा है, जो करोड़ों को घोटालों में लिप्त है, जिस पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है, जिसकी पोल तेलंगाना के लोगों के सामने खुल चुकी है, वो परिवार अब तेलंगाना की जनता को गुमराह करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आपको इन हथकंडों से, इनकी चालबाजियों से सावधान रहना है। साथियों, मैं जब भी तेलंगाना आता हूं, आप सभी लोगों की एक और छटपटाहट समझ आती है। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरह परिवारवादी राजनीति के शिकंजे में हमारा तेलंगाना फंस जाएगा। परिवारवादियों को सिर्फ अपने बच्चों, अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है, उन्हें देश के, तेलंगाना के दूसरे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देश के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को एक और बात भी नोट करनी होगी, ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। परिवारवादी, कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है, परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। इन दोनों से ही तेलंगाना के लोगों को बचकर रहना है। साथियों, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा पाप होता है अपनी जनता का भरोसा तोड़ना। और यहां की राज्य सरकार ने तेलंगाना के लोगों का भरोसा चकनाचूर करने का पाप किया है। कितनी सारी उम्मीदें लगाई थी आप लोगों ने, लेकिन हर उम्मीद को तेलंगाना सरकार ने तोड़कर रख दिया। यहां की सरकार अच्छी तरह जानती है कि पिछले 9 साल में उसने तेलंगाना के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। उसने राज्य में एक के बाद एक भर्ती घोटाले करके यहां के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। तेलंगाना आंदोलनों के वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि हम यहां लाखों भर्तियां करेंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आपको इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही दिया है। तेलंगाना में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल चल रहा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्कैम के बारे में कौन नहीं जानता है। पिछले 9 वर्षों से तेलंगाना के लाखों नौजवान सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन
यहां की सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने नेताओं की तिजोरी भरने का माध्यम बना दिया है। साथियों, तेलंगाना की 12 यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन को तबाह करके यहां की सरकार ने लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज भी तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में 3000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। आज भी तेलंगाना की सरकारी स्कूलों में टीचर्स की 15000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है। क्या ये इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं है क्या, धोखा नहीं है क्या? इन लोगों ने आपसे वायदा किया था कि हर बेरोजगार को 3000 रुपये का भत्ता देंगे। ये वायदा करके भी तेलंगाना सरकार ने नौजवानों को सिर्फ धोखा दिया, विश्वासघात किया। इन लोगों ने आपसे वायदा किया था कि गरीबों को 2 बेडरूम वाले 7 लाख फ्लैट बनाकर देंगे। ये वायदा भी यहां की सरकार पूरा नहीं कर पाई है। ये लोग किसानों के 1 लाख रुपया तक के कर्ज को माफ करने की बात भी कहा करते थे, लेकिन इस वायदे पर भी इनकी सरकार ने तेलंगाना के लोगों को सिर्फ विश्वासघात ही दिया है। साथियों, मुझे पता है कि तेलंगाना की ग्रामीण पंचायतें, यहां के सरपंच, यहां की सरकार से कितने गुस्से में हैं, कितने नाराज हैं। ये बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा देने का सुनिश्चित किया है। यहां की ग्राम पंचायतें ज्यादातर काम सेंट्रल फंड से ही करा रही है। केसीआर सरकार यहां ग्राम पंचायतों के सामने लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है। इसलिए तेलंगाना की हजारों पंचायतें भी अब यहां की परिवारवादी सरकार को पटखनी देने का इरादा कर चुकी है। साथियों, बीजेपी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है। पैड़ी प्रोक्योरमेंट के माध्यम से यहां के धान किसानों को पिछले 9 साल में 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। मनरेगा के तहत तेलंगाना के गांवों में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का काम कराया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए भी तेलंगाना के करीब 40 लाख किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत जो करोड़ों घर बनाए गए हैं, उनमें से भी हजारों करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचे हैं। साथियों, बीजेपी ने निरंतर प्रयास किया है कि किसानों को सशक्त करें, उनके खर्च कम करें, उनकी आय बढ़ाएं। हमने लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का वादा किया था, हमने वो गारंटी को पूरा करके दिखाया। हमने दाल की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी करके हमारी गारंटी पूरी की। हमने सिंचाई के नेटवर्क को सशक्त करने का वादा किया था, वो गारंटी भी हमने पूरी की। किसानों को कोल्ड स्टोरेज की दिक्कत ना हो, इसके लिए दुनिया का
सबसे बड़ी भंडारण योजना पर पूरा काम हो रहा है। आप जानते हैं कि जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क देश में बनने वाले हैं उनमें से भी एक यहां तेलंगाना में बनने जा रहा है। इन सभी प्रयासों का लाभ यहां के किसानों को होगा, हमारे कॉटन ग्रोवर किसानों को होगा। भाइयों बहनों, तेलंगाना की सरकार ने गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासियों को सिर्फ झूठे वादे दिए, झूठी घोषणाएं दी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने सही मायने में इन वर्गों को सशक्त किया है। वारंगल सहित इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। पहले की सरकारों में हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था।